हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ अड्डा 24/7। फ्रेंड्स, बादाम खिलाना बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बादाम का ग्लाइसेमिक लोड जीरो होता है, जिससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, साथ ही ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। बादाम खाने से बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, बादाम खाने से बच्चों की हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को अभी तक बादाम नहीं खिलाते हैं तो खिलाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं बच्चों को बादाम खिलाने के फ़ायदे और खिलाने का सही तरीका क्या होता है। बादाम से बच्चों का दिमाग तेज होता है और IQ लेवल बढ़ता है। बादाम में पाया जाने वाला प्रोटीन ब्रेन सेल्स की रिपेयर करने का काम करता है। बादाम में विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे दिमाग का विकास अच्छा होता है। बादाम में मैग्नीशियम होता है, जिससे दिमाग की नसें मजबूत होती हैं। बादाम खाने से बच्चों का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। बादाम न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। खास तौर पर बादाम में विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। विटामिन ई इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है। यह बच्चों को ब्लड क्लॉटिंग से भी बचाता है। विटामिन ई के साथ साथ बादाम में प्रोटीन और आयरन भी पाया जाता है। यही नहीं, इसमें अमीनो एसिड्स की भी प्रचुरता होती है, जो इम्यून सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मजबूत इम्यून सिस्टम आपके बच्चे को किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन या फिर बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए बच्चों की डाइट में बादाम शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। बादाम एक हेल्दी स्नैक्स होता है। बादाम आपके बच्चों में एनर्जी लेवल बूस्ट करता है। बच्चों में एनर्जी ना ख़त्म हो, इसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए। एनर्जी लेवल कम होने से बच्चों में जल्दी थकान होने लगती है। बादाम में विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो एनर्जी बनाए रखती है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम होता है, जो बच्चे की थकान को मिटाता है। बादाम खाने से बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, जो बोन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन है। अक्सर खेलते कूदते वक्त बच्चों को चोट लग जाती हैं, ऐसे में फ्रैक्चर होने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए ज़रूरी है बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाया जाए। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीज, विटामिन के, प्रोटीन और कॉपर, जिंक भी पाया जाता है। इन सभी से हड्डियां मजबूत बनती हैं। चलिए जानते हैं बच्चों का बादाम खिलाने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, आप बच्चों को 6 से 9 महीने के बाद ही बच्चे को बादाम खिलाएं। छोटे बच्चों को बादाम पेस्ट बनाकर खिलाएं। आप चाहें तो बादाम का पाउडर बनाकर भी बच्चे को खिला सकते हैं। जब बच्चे के दांत निकल आएं, तो आप उन्हें साबुत बादाम भिगोकर भी खिला सकते हैं। आप 2 से 3 साल के बच्चे को 3 से 4 बादाम खिला सकते हैं। वैसे तो बादाम खाना बच्चों के लिए लाभकारी ही माना जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को इसके खाने से प्रॉब्लम हो सकती हैं। दरअसल कुछ बच्चों को नट्स से एलर्जी होती है, इसलिए ऐसे में उन्हें बादाम नहीं देने चाहिए। जिन बच्चों को नट्स से एलर्जी होती है, उन्हें बादाम खाने पर उनकी स्किन पर चकत्ते पड़ जाएंगे और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। बादाम अगर ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो इससे पेट खराब हो सकता है। ज़्यादा बादाम खाने से बच्चों में कब्ज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसके साथ पेट में जलन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।